हे गाइस, स्वागत है आपका हाईटेक के कौन है वीडियो में। दोस्तों, जो लोग रोपोसा एप्लीकेशन यूज करते हैं उन्हें कंफ्यूजन होता है कि वो जो अपनी वीडियो है वो ड्राफ्ट कैसे करें। मतलब ड्राफ्ट का ऑप्शन तो दिया गया है बट उसे ड्राफ्ट करना, वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप कैसे रोपोसा एप्लीकेशन में अपनी जो वीडियोस होती है वो कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप ड्राफ्ट में डाल सकते हैं और बाद में जब आपको अपलोड करने का मन करे तब आप उसे कैसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं, वो सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, रोपोसा एप्लीकेशन में वीडियो ड्राफ्ट कैसे किया जाता है तो वो सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको रोपोसा एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी साउंड पर एक वीडियो बनाना है या फिर आप अपने एल्बम से जो वीडियो है अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एल्बम से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डन। फिर यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप इसमें वीडियो खुद की बनाते हो तो भी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है और अगर आप एल्बम से डालते हो तो भी आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक पर क्लिक करना है। बैक पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वापस से बैक पर क्लिक करना है। बैक पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, सेव इन ड्राफ्ट। डू यू वॉन्ट टू सेव दिस पोस्ट एज ड्राफ्ट? आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे यस कर देना है और यस करने के बाद ये जो पोस्ट है आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अगर आप इसमें वीडियो बनाकर पोस्ट करते हो, मैं अभी इसको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। यूज म्यूजिक और यहाँ पर यूज ऑडियो और यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने किसी का साउंड यूज करके वीडियो बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसे बैक पर क्लिक करना है और सेव इन ड्राफ्ट पर यस कर देना है और आपकी वीडियो यहाँ पर ड्राफ्ट पर सेव हो गई। अब आपकी वीडियो सेव तो हो गई ड्राफ्ट के अंदर, अब आप ड्राफ्ट से अपने जो रोपोसा एप्लीकेशन में कैसे आप वो पोस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, उस कैमरे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में ड्राफ्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी जो वीडियो है मैंने आपको दिखाया था ड्राफ्ट किया हुआ, एल्बम से सेव किया हुआ, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे आसानी से पोस्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो वीडियो है पोस्ट होने लगी है। तो यहाँ पर जब आप कैमरा पर क्लिक करोगे और ड्राफ्ट पर जाओगे तो आपकी जो सेकेंड वीडियो है जो आपने इसके अंदर खुद से यूज़ म्यूजिक कर रिकॉर्ड की थी वो भी आप डाल पाओगे आसानी से। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपकी जो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये जो ड्राफ्ट वाली वीडियो होती है उसे बना सकते हो, मतलब ड्राफ्ट कर सकते हो अपनी वीडियो को और उसे पोस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी और आपको ये जानकारी समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।